Thank you. One more, sir. One. Thank you. One more, sir. और कुछ ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे कुछ होगा तो ही मैं देख रहा हूँ कि क्या कुछ होगा. बाकी देखते हैं कि जुड़े हैं, साथ काम करेंगे तो बेहतर है और कोशिश करें कि काफ़ी अच्छा करें. जिस हिसाब से जितने अच्छे डायरेक्टर हैं, जितनी अच्छी टीम है, सब हार्डवर्क कर रहे हैं तो बेहतर करें. संग्राम, आपकी एक इमेज है, एक अच्छी इमेज है सोशल, तो क्या फिल्म में उसको कहीं ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं? एक होता है इंसान का एक वो कैडर बन जाता है. नहीं, अभी रिसेंटली मैं वहाँ से आया हूँ. मुझे मैंने एक न्यूज़ में देखा कि बॉक्सर जो नेशनल लेवल का बॉक्सर था वो कूड़ा ढूंढ रहा था, तो सी मुझे पता चला. मैंने उसको पर्सनली फ़ोन किया और मैं भी पूरे इंडिया में एक नेचुरोपैथी सेंटर खोलने जा रहा हूँ. तो मैंने एक सनशाइन ग्रुप वालों से बोला उसको जब तक जॉब दो उसको एक 15,000 की जॉब लगवा दी. फिर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, तो कोशिश करें कोई भी, तो आप मुझे बताना कि वो एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सकें और एक बेहतर कर सकें. डेफिनेटली मैं अपनी इमेज के डिफरेंट जाऊँगा नहीं, वही काम करूँगा जो अच्छा है, बेहतर है, जैसी जो इमेज है, और किसी के लिए कुछ बेहतर ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे. इस फिल्म में मैं लीड कर रहा हूँ, जैसे मतलब नॉर्मली एक गांव का जो सीधा साधा इंसान रहता है वैसा ही हूँ. बाकी का तो पता नहीं कि क्या ट्विस्ट ट्विस्ट क्या कर रहे हैं. तो मेरी जो इमेज है जैसे मैं हूँ वैसा ही फिल्म में. जब किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन किया, कहा जा रहा है कि मार्शल आर्ट साइड फिल्म में और वुमन डिफेंस के ऊपर भी कुछ है फिल्म में, तो इसके ऊपर किस तरह की प्रिपरेशन थी आपके तरफ से? जैसे जहाँ से जहाँ किरदार है वहाँ से मैं हूँ, वो मेरी मदर टंग है. और दूसरी बात, मैं तो मालिक की दया से रियल लाइफ में फ़ाइटर हूँ, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें, तो कुछ इतनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं. अब एक बड़ी फ़ाइट करने जा रहा हूँ, उसके बाद इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी. तो कुछ मार्शल आर्ट है, फ़ाइट है, तो फ़ाइट तो करता ही. फिर भी देखेंगे कि जो डायरेक्टर साहब वो चाहिए कि क्या उनकी मांग है, क्या स्क्रिप्ट की मांग है, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या तैयारी कर सकते हैं. अभी तो क्या संदेश देना चाहिए अपने चैनल वाले फैंस? अभी तक एक्चुअली मुझे पूरा नहीं पता कि क्या कुछ है फिल्म में. देखूंगा पूरा कि क्या कुछ है, तभी बता सकता हूं कि क्या एक मैसेज जाए, कितना क्या बेहतर हो जाए. अभी मैं कुछ बोलूं और पूरा मैंने देखा नहीं, तो अभी तक बात इनिशियली उस पर हैं. तो अब जो भी फिल्म आगे बन के आएगी डेफिनेटली कोई ना कोई एक मैसेज लेके आएंगे ताकि इस देखने वालों को अच्छा लगे. थैंक यू. फिल्म पूरी ट्विस्टों से भरी हुई है, हर एक सीन में ट्विस्ट है और ट्विस्ट के इतने ट्विस्ट हैं कि देखने वाले भूल जाएंगे कि कितने ट्विस्ट हम देख चुके हैं और कितने. क्या कहना चाहेंगे, स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज की गई है? अभी तो फिलहाल वो बहुत ही उनके कैरेक्टर को सूट होती है, जिस तरीके के वो अंदर से प्योर हैं, बाहर से प्योर हैं, उसी तरीके का एक कैरेक्टर है हमारी फिल्म में जिसको संग्राम सिंह प्ले कर रहे हैं. उसमें भी मुझे बहुत उम्मीद है कि संग्राम सिंह को बहुत बखूबी प्ले करेंगे. और उसके साथ साथ मुकेश भारती जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं वो भी इस फिल्म में सेकेंड लीड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो उन्होंने ऑलरेडी एक फिल्म कर चुकी है कास्ट में, तो अब सेकेंड फिल्म कर रहे हैं तो बट नेचुरली और अच्छा रिजल्ट. डेफिनेटली जैसे टाइटल है हमारा ट्विस्ट पे ट्विस्ट, तो एक एंटरटेनिंग फिल्म है और बहुत ही मसाला फिल्म, इमोशंस हैं, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, कुमार जी के लिरिक्स हैं, अंजन जी को जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका इस फिल्म को लेके, तो बहुत सारे टिप्स हैं हमारे आर्टिस्टों के लिए कि जैसे डे टू डे लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, हमारी घरेलू लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ एक ट्विस्ट हमारी लाइफ में होती है उस उन सब को लेकर उनको प्रिपेयर करते हैं हम लोग. और होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अपना कैरेक्टर बखूबी निभाएंगे. थैंक यू सो मच. बेसिकली इस फिल्म के लिए अलग टाइप का डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं जो आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत एक्सक्लूसिव लगेगा, ताकि हम लोग के हिसाब से जो सूट, हाँ जो सूट करेगा अच्छा आएगा. तो क्या सोचा है अपने ट्विस्ट पे? ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट ही रहेगा क्योंकि जिस तरह का नाम है हमारा काम भी उसी तरह का रहेगा, सब कुछ ट्विस्ट ही रहेगा. ओके, आप देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा ना बताने से. आपको क्या कुछ बताया गया था इस फिल्म के बारे में कि रोमांटिक है फिल्म, क्या कहना? हाँ, ये रोमांटिक, एक्शन, ड्रामा सब कुछ है इसमें, जो एक मसाला फिल्म में होना चाहिए सब कुछ है इसमें, जो देख के लोगों को मजा आएगा, इंजॉय करेंगे लोग. अच्छा, फेस्टिव सीजन है, कोई
टिप देना चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं, जिंदगी में तो इंजॉय सबसे ज़्यादा जरूरी है, काम करना जरूरी है लेकिन उसके साथ इंजॉयमेंट वे लाइफ को जीना चाहिए। मैं भी डिजाइनर हूँ, ये मैं दोनों सिस्टर हैं। हाँ, हम दोनों सिस्टर हैं। नाम बदल दो उसके बाद। सविता नाम है मेरा। मैं संगीता, मेरी छोटी सिस्टर है। हम लोग एज ए डिजाइनर मैंने बिहार से मुंबई में आए हैं और मंजू भारती के थ्रू हम लोग, चूँकि हम लोग की भी बहुत इच्छा थी कि हम लोग फिल्मी दुनिया में आए, बचपन से सपना देखते हैं क्योंकि इस दुनिया के प्रति सब लोगों का बहुत अट्रैक्शन होता है। तो इसी बीच हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, उसी बीच मंजू जी मुकेश जी से मुलाकात हुई और हम लोग की प्लानिंग में ही फिल्म की बात चल गई और हम लोग एक टीम बन गए और टीम की तरह आज हम लोग एक अच्छी फिल्म आप लोग के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आज ये प्रोड्यूसर हम लोग पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और डिजाइनिंग आपने किया है या इस तरह का कुछ ऐसे? नहीं, अभी तो हम लोग अभी हमारे जैसे हमारी लोखंडवाला में शॉप है और हम लोग अपना पूरा सेटअप बैठा रहे हैं तो जो बहुत सारे एक्ट्रेस लोग हम लोग के शॉप पर आती है और हम लोग एक्ट्रेस लोग का भी जो भी डिजाइनिंग करते हैं और आगे भी हम लोग की बहुत प्लानिंग है कि फैशन शो वगैरह उसके थ्रू हम लोग अपना एक ब्रांड क्रिएट करें ताकि जो आए हैं इस सपने को लेकर मुंबई में वो सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू। काफी अवार्ड जीते हिंदी फिल्मों में भी, काफी 15-16 फिल्मों में ये बतौर एक अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ में इन्होंने काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। दूसरा मंजू जी ये और मुकेश जी जो एफर्ट कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो इन्होंने मुझे बताया इस फिल्म की एक स्टोरी बताई, जो ये बताया जहाँ से मैं हूँ बेसिकली वही बताया सब कुछ और काफ़ी एक फनी एक्शन इंटरटेनिंग काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा एक पूरा फैमिली इंटरटेनमेंट होगा। ये देखते हैं अभी कि कितना बेहतर हम कर सकते हैं इसको। उम्मीद तो ये है कि ये सबको अच्छी लगेगी और अच्छी पसंद आनी चाहिए। थैंक यू। Well, definitely, sir. I'm sure सभी को यहाँ भी बहुत मजा आने वाला है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हमारे मुकेश सर को कि क्या मैं मुकेश सर को पोडियम पर बुला सकती हूँ प्लीज? Can we have Mr. Mukesh on podium? सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हम जाना चाहेंगे? मेरे मन में तो खुशी की तो समझिए लहरें जो है दौड़ रही हैं क्योंकि इज वेरी एक्साइटेड के जो फिल्म का टाइटल है ट्विस्ट पे ट्विस्ट और हम और संग्राम जी इस फिल्म के अंदर इतने सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे आप लोगों को कि तरह तरीके के जो मैं समझता हूँ कि फुली इंटरटेनमेंट जो है करके जाएंगे। फिल्म भी एक इंटरटेनमेंट है और लोग देख के भी इंटरटेनमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चाहूंगी कि प्रेस के और कैमरास सभी लोग एक साथ 1 2 3 पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा रहे। 1 2 3 लेट्स हियर फॉर ट्विस्ट पे ट्विस्ट। इस फिल्म के में जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो है, सबसे पहले हमने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट में बहुत सारे इस फिल्म के अंदर ट्विस्ट नज़र आए और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस फिल्म के अंदर काम कर सकता हूँ और बहुत अच्छा मतलब मेरे लायक इसमें काम है। और मुझे लगता है जो स्टोरी है मेरी और संग्राम की को मर्ज करके स्टोरी लिखी गई है क्योंकि संग्राम इसमें बड़ा मतलब एक उनकी भी इमेज है और बड़े बड़े काम कर चुके हैं वो, तो इस फिल्म में उन्होंने जो है बहुत अच्छा मतलब लिखा है उनके लिए। और रहा मेरा, बेसिकली मैं भी मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मुंबई में उन्होंने मेरे से मिलके और स्टोरी जो मुझे सुनाई तो मुझे लगा कि मेरे लायक इसमें काम है। और फिल्म में एक कॉमेडी एक्शन है और म्यूज़िकल, इसमें अंजन जी के बहुत अच्छे म्यूज़िक दे रहे हैं इसमें, उसमें आपको डांस भी मिलेगा देखने को और मेरा और संग्राम का हम लोग इस फिल्म में आपको डांस करते भी नज़र आएंगे और कुछ
ऐसे ट्विस्ट हैं जिसमें एक्शन करते हुए नजर आएंगे। यस, संग्राम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि वो पहले भी कई टेलीविजन पर काम कर चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं और एक्टिंग में अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जोड़ी खूब लोगों को अच्छी लगेगी, और बस गणपति बाबा से ये हम दुआएं मांगते हैं कि हमें आशीर्वाद दे और हमारी जो है ट्विस्ट पे ट्विस्ट लोगों को अच्छी लगे। आप किस टाइप का वैसे किरदार कर रहे हैं? बस मेरा जो किरदार है वो इसमें बेसिकली एक्शन लेवल के है, और मैं इस फिल्म के अंदर वुमेन सेफ्टी की मार्शल आर्ट को जो सिखाता हूँ, और इसमें एक डिफरेंट टाइप का मेरा कैरेक्टर है जो वुमेन्स को मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। जी।